मुझे देखकर हैरान हो गए होंगे आप लोग, है ना? वो क्या है ना, हमारे यहाँ खुशखबरी ना सबसे पहले बड़ों को ही दी जाती है। हैं जी, अच्छे काम से आई हूँ मैं। कबूतर भेजा है खबर के साथ, खबर ऐसी है कि सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने तो हमारी फूल सी बच्ची पश्मीना पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, पर क्या है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हैं जी, लीजिए लीजिए, पढ़िए। तुम्हें तो पिट्टू दीदी अपनी बेटी कहती है ना, आयशा बेबी, लो तुम भी पढ़ लो। ये क्या है? क्या हुआ बेटे? शंभुनाथ जी की कृपा से हमारे बेटे पारस की शादी पश्मीना के साथ तय होती है। शादी का स्थल? What? How dare you? क्यों जी? अब कुछ गलत लिखा है? शादी का स्थल कोलकुटीर बाग रोड। शादी हमारे घर में? ये कैसे हो सकता है? What nonsense? क्या घटिया मजाक है? आप लोग शादी कॉल कुटीर में कर रहे हैं, शर्म आ रही है थोड़ी आपको? अब हम कर ही क्या सकते हैं जी, हम ठहरे लड़की वाले और कैलाश दुरानी बहुत बड़े आदमी हैं जी, अब उनके मन में आ गया तो आनी तो। आप यहाँ क्यों आई है? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ? हाँ, राघव द सुपरमैन, ये लो। अब बोलो क्या कहना है तुम्हें? अब भी तुम्हें लगता है कि पश्मीना बेकसूर है? अब भी उसे मदद लेनी है? राघव वो शादी कर रही है तुम्हारे घर में। नहीं। मुझे क्या लगता है ना, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे आप लोग आना जरूर शादी में, और हाँ, नो गिफ्ट ओनली कैश। हैं जी, मैनू लगता है सारे उत्थे इंतजार कर रहे होने। चलो जी चलो, वहां चलते। हाँ जी, हो गया। मुझे लगा ही नहीं था ये दिन भी आएगा। इस दिन की आस मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन लेकिन ये दिन आ ही गया। अपने दामन पे लगा दाग आज तूने साफ कर दिया पित्तू। आज के बाद जो कोई हमें देखेगा वो बेइज्जती से नहीं बल्कि ये याद रखेगा कि कैलाश दुर्रानी का बेटा हमारा दामाद है। थैंक यू शंभू जी, यही देखना था मुझे। मम्मा को अपनों ने अपना लिया। बेस्ट डे है आज, बेस्ट। आई हाय, बस करो, मेकअप शेकअप खराब हो जाना। हाँ नहीं तो पश्मीना बच्चे, तुझे पता है तेरे ससुराल वाले तुझे और पारस को तोहफे में क्या? मम्मी जी, सरप्राइज सरप्राइज से समझती नहीं है आप। यहाँ यहाँ आओ फटाफट मेरे पास, सरप्राइज ऐसे नहीं बताया जाता मम्मी जी। तू खुश है? I love you मम्मा। और मम्मी जी, तू दीदी और पश्मीना को नहीं पता कि उसकी शादी खोल कुटीर में हो रही है, और हम बताना भी नहीं। मुझे पोशाई की नजर उतारनी है। अरे पश्मीना, तुझे कार लेने आ जाएगी 10 मिनट में, हम लोग आगे चले जाएंगे, गेस्टों को भी तो देखना है भाई। है मेरा बच्चा, खुश रहना। आ जाओ भाई, क्या कर रहे हैं सभी? चलो मम्मी जी। खाला, अम्मी, मैं पाशु के साथ आती हूँ। हम लोग चलते, जल्दी आ जाना। पशु, गाड़ी आ गई है। क्या हुआ पशु? तू श्योर है ना? अब मतलब
तू पारस से प्यार नहीं करती और उसे शादी कर रही है। खाचू मैंने प्यार करके देख लिया है, प्यार ने बस दिल ही तोड़ा है और ये फैसला मैंने काफी सोच समझ के लिया है। हाले, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो तेरी नजर उतारनी है, मैं अभी आती हूँ। शाय कहाँ है? कहीं उसने आने से मना तो नहीं कर दिया यहाँ? खाला वो पशु क्या हुआ काजू? खाला वो पशु नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। चल मेरे साथ। क्या कह रही है काजू? कहाँ है पोषा? तूने ठीक से देखा? कैफे तो नहीं गई या फिर दल पे? नहीं, भूख लगी होगी उसे, जब स्ट्रेस होता है ना तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। मार्केट में देखा, मार्केट गई होगी। खाला कैफे मार्केट दल हर जगह देख चुकी हूं, खाई नहीं है वो, पता नहीं। काजू तूने उसे फोन नहीं किया होगा? क्या काजू? खाला सबसे पहले मैंने वही किया, वो अपना फोन घर छोड़ गई है। खाला क्या करे, सबको रुक, कहाँ गई होगी? पूछा ऐसे बिना बताए भागेगी नहीं, कहीं तो गई है। हमें ये सोचना है कि कहाँ गई होगी। कि शादी का ड्रामा बंद कीजिए, क्योंकि आयशा जम्मू गई है, कोर्ट से स्टे नोटिस आता ही होगा जी, और उसके बाद शादी के बीच में ही आपको घर खाली करना पड़ेगा। ओहो, क्यों शादी का माहौल बिगाड़ने पे तुले हैं आप? और वैसे भी कोर्ट में बहुत जल्द प्रूव हो जाएगा कि वो सिग्नेचर अतुल के नहीं है। देखिए, आप मेहमानों की तरह आए हैं तो मेहमान की तरह रहिए। अगर मेरी बहू पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। वैसे भी कुछ देर में शादी होने वाली है, क्या करेंगे आप यहाँ? वैसे वेडिंग कार्ड के हिसाब से शादी का मुहूर्त तो 20 मिनट में है। नहीं हाँ, और 20 मिनट में ही ना शादी हो भी जानी है। हैं जी, तो दुल्हन कहाँ है? कहाँ होगी, यहीं कहीं होगी, अभी बुलाती हूँ। पश्मीना, पश्मीना, प्रीति जी, पश्मीना कहाँ है? मुहूर्त का समय हो गया है लेकिन दुल्हन का कोई अता पता नहीं है। आई थिंक हमें थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए, मुझे लगता है कोई तमाशा होने वाला है। तमाशा? कैसा तमाशा रीवा? कहाँ है पश्मीना? काजू के साथ आने वाली थी ना वो, काजू तो आ गई, फिर पश्मीना कहाँ है? जी वो शंभू जी के दर्शन करने गई। अकेली? हाँ, उसमें क्या है, हमेशा जाती है अकेली। काजू, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? काजू। खाला वो कल जब मैं सबको पूरी और हलवा खिलाने लेके गई थी तो तब राघव पशु से मिलने आए थे। मेरा होने वाला ससुर कैलाश दुरानी, तुम्हें पता है उसका कितना बड़ा रुतबा है? तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाएगा। मंजूर है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा घर छूट जाएगा और आयशा तुमसे नफरत करेगी। सब मंजूर है पश्मीना, लेकिन तुम उस दुर्रानी से शादी करो ये मंजूर नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का निहायती कमीना घटिया इंसान है। नहीं, वो बदल गया है और मेरा एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। जब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना तो वही मेरे साथ खड़ा था,
अच्छा बदल गया वो, तो क्या ये? वो तुमसे शादी कॉल कुटीर में क्यों करना चाहता है? वो घर जो उसके बाप ने मुझसे नकली दस्तखत करके छीना था। कॉल कुटीर? एग्जैक्टली, तुम्हारा दोस्त फियांसे जो बदल गया है। मुझे नहीं पता था कि। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मैं। तुम इस तरह की क्या पता पारस को ना पता हो इसके बारे में, ये सब उसके पापा ही कर रहे हो। रियली पारस को नहीं पता तो कॉल कुटीर के बाहर खड़े होकर तारे क्यों काट रहा था और क्यों कह रहा था कि एक बार पश्मीना से शादी हो जाए उसके बाद बदला लूंगा, टॉर्चर करूंगा उसको मैं? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता था कि तुम्हें ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई न्यू इट, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे मंडप से उठा के किडनैप करके लाया हूं मैं। सच्चाई यही है पश्मीना, पारस तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुमने उसकी सबके सामने इंसल्ट की थी, उसको रिजेक्ट किया था और इसका बदला वो तुमसे शादी करके लेना चाहता है बाय टॉर्चरिंग यू। नहीं नहीं वो गुस्सा था, पर हमारी बात हुई थी, उसने कहा वो बदल गया है। पश्मीना भाग गई, पक्का भाग गई। भाग गई? यस। सुनील निकालो 5,000, तुम बैठ हार गए। जानू अरे बस बहुत हो गया अभी। किसी के बुरे वक्त का फायदा उठाना, उसका मजाक उड़ाना, ऐसे लोग ये होंगे, हम नहीं। चलिए वहां चलते हैं यहां से, वैसे ही पता नहीं वो बेचारी कहां चली। जा रही फ्रॉड लड़की। नहीं नहीं भाभी वो भागेगी नहीं, मेरी पोशाक भागेगी नहीं, मैं जानती हूँ। पश्मीना कहाँ है? कहाँ चली गई पश्मीना? फिर से मुझे छोड़ के चली गई। सबके सामने मेरी बेइज्जती कराएगी, वो भी शादी वाले दिन। नहीं नहीं पारस, उसने तो खुद इस शादी के लिए हाँ की है, वो ही शादी करेगी, मुझे पता है। तो फिर है कहाँ वो? कहाँ है वो प्रीति जी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.